वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। रेडियो निकलने के लिए गैंगटॉक के लिए। आर यू एक्साइटेड ब्रो? टाइम देखो, हम 7:20 और हम निकल रहे हैं। 7 बजे का था, कोई ना 20 मिनट ऊपर नीचे चलता है। पेट्रोल डलवाते हैं फटाफट से, चेन लूप मैंने करी दी है, चेन क्लीन भी कर दी और फटाफट से निकलते हैं। बाय भाई, इतना सामान बांधने में ही हमारी हालत टाइट होगी, पसीने पसीने। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। कुछ दिन और फिर पहाड़ों पे, एक दिन और फिर ऐसे टेम्परेचर में होंगे, मज़ा आ जाएगा। हाँ, कुछ रह थोड़ी रहा था। चलो हम निकल चुके हैं अपने होटल से दूसरे होटल की ओर। ओके पहले पेट्रोल डलवाते हैं। सुबह का टाइम इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत गंदी होती है, हद से ज़्यादा। देख लिया हमने कल हमारी क्या हालत थी। फुल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारा मिलिट्री एरिया चालू हो गया और देखो यार इधर आसपास तुम देखो तो सही, सफारी यहाँ पे, सफारी एरिया। हाँ, एज यू कैन सी यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट इधर घूमने का नहीं है। इधर आप गलती से चले गए तो जानवर ही जानवर मिलेंगे, ये पूरा जंगल है। आपको इसमें दिखाऊँ मैं, ये पूरा जंगल है। ओ धीरे करो, इधर स्पीड स्लो लिखा हुआ है। ये देखो, ये पूरा जंगल ही जंगल है। अब मेरे राइट साइड में देखोगे ना, इतना प्यारा व्यू है यार, बहुत प्यारा व्यू है। मैं आपको रुक के ना वीडियो बना के दिखाऊंगा, अगर रुकना का हुआ तो। मतलब कि ऐसे कई बार रुकने नहीं देते। देखो मेरे राइट साइड पे वो हार्लेस खड़ी, इधर के लोगों को बाइकों का बहुत क्रेज है। अब देखना, आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, वैसे तो नहीं रुक सकते, ट्रैफिक देख रहा है। लुक एट द रिवर यार, चढ़ते जाओ, zigzag। बस इधर की रोड में थोड़े ए करके गड्ढे हैं, साइड हो जाता तो ऐसा हाल हो जाता है। Let's go। अभी मेरे साथ सीन क्या हुआ पता है? मेरे जो ये फोन का माउंट है ना, ये निकल गया, चिन माउंट जिस पे कैमरा लगता है। और साइड रिवर देखो यार, कितनी प्यारी लग रही है। सही टाइम पे लगाया कैमरा मैंने तो पता है इसका क्या दिक्कत करा, चिन माउंट निकला, कैमरा ऐसे यू हाथ में, मैं देखा ये क्या था भाई। तो उसके बाद फिर दिमाग ख़राब हो गया। अब लगी 15-20 मिनट तो हम ऐसे चलते रहे, क्या करे, यहाँ पे माउंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, सोचता रहा। उसके बाद फिर एक आया जो देखा जाएगा, मैंने फेविक्यूब से चिपका दिया। मैं सोचा कि यार जैन दा हेलमेट क्या है, इसी पे तो रहेगा कम से कम। लेकिन हम बार बार थोड़ी यहाँ पे इतनी मेहनत करके आए, यहाँ पे वो चीज़ बार बार थोड़ी आएगी। तो मैंने सोचा छोड़ो ये रहने दो, लगा देते हैं अपन फेविक्यूब। तो फेविक्यूब लगा दी मैंने अपने नए हेलमेट पे, ब्रांड न्यू हेलमेट पे, विच इज़ कॉस्ट 8,000 रुपीज़। मैंने उस पर फेविक्यूब लगा दी। शेर
और यहाँ पे रिवर देखो कितनी प्यारी लग रही है यार। लुक गैंगटॉक रह गया है यहाँ से 67 किलोमीटर, 2 घंटे 1 मिनट। और आगे मेरे को लग रहा है मौसम थोड़ा ख़राब ख़राब सा लग रहा है, ग्लेशियर दिख नहीं रहे क्योंकि वरना यहीं से आपको ग्लेशियर दिख जाते हैं। ये ब्रिज देखो यार कितना पुराना है ये, और अरे ये तो गड्ढा थोड़ी है, नहीं डर गया मैं, सो रहा गहरा थोड़ी है। रिवर आ रही है यार, क्या प्यारा लग रहा है यार। ओके अपन निकल जाएंगे बाय ब्रिज गैंगटॉक। ओहो हो हो बाय ब्रिज यार, एक और लैंडस्लाइड। और मेरे लेफ्ट में है रिवर जहाँ पे होती है रिवर राफ्टिंग। इधर तो इतनी हद से ज़्यादा लैंडस्लाइड है ना, रोड कम लैंडस्लाइड जाता है और ये स्टीप इतना है, चढ़ गई। हाँ तो बैंड बज गई क्योंकि इसका पूरा प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है। गैंगटॉक बचा है 38 किलोमीटर, और ये ब्रिज देखो कितना प्यारा है। मेरे हाथों की तो बैंड बन चुकी है और कूलों को भी, बाकी मज़ा आ रहा है भाई साहब, गजब ही कर दिया। पीछे मैंने हवा डलवाई थी उसने 63 पीछे वाले टायर पे, 63 बहुत होती है 63 पता है, और आगे पता है कितनी 50। टायर हम फट भी सकता था, हम कुछ भी हो सकता था। मैंने बोला था अंकल एक बार ढंग से चेक कर लो, बोला कम थी कम, उसने ज़्यादा और बढ़ दी भाई साहब। अब डलवाइए मैंने आगे में 30 पीछे में 35, अब सही लग रहा है ना। तो हम पहुँच चुके हैं गैंगटॉक और हमारा होटल यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर है। वाह यहाँ से यूचन क्या मस्त लग रहा है नीचे ना, पानी देख। और ये रोड पूरी तरीके से ख़राब है भाई 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 भाई, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। हाँ सही रोड हो गई। अभी हम पहुँच चुके हैं गैंगटॉक। गैंगटॉक में आती मैंने सोचा कि पहले इंश्योरेंस चेंज करा देते क्योंकि आगे भी जाना है। इस गाड़ी को मैंने चला ली कम से कम 2-3 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, इसलिए मैंने हर 3 हज़ार किलोमीटर पर चेंज कराता हूँ, इसलिए सोचा यहीं पर चेंज करा के निकलूँ। डलवा लिया है ऑयल, इंजन ऑयल यहाँ पे मेरे को पड़ा 1450 रुपये, और 1450 रुपये 50 रुपये फिटिंग के। सॉरी 50 रुपये डाल लेंगे, खोल के करके डाल लेंगे। और सो फाइनली हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। हालत देखो आप कैसी हो गई है, कैसा लगा गैंगटॉक आके? दो साल पहले विजिट कर रहा था यहाँ पे और वापस से विजिट कर रहा हूँ। और आज का प्लान अभी हम आपको बताते हैं रूम पे जाके क्या करना है। हम अपने रूम पहुँच चुके, हमने आते ही कबाड़ा कर दिया, और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ होटल, होटल से बाहर का व्यू ये देखो है ना एक नंबर। अरे यार ठीक है मैं अच्छे होटल चूज करता हूँ, ठीक है कोई ना। हाँ करा था अच्छा होटल, 900 रुपये का चूज साला हो जो बढ़िया, 1500 रुपये में 2 दिन है ये तो अच्छा। ये देखो इंस्टाग्राम रीलर ये बंदा आज पहले कुछ गया
भाई ब्लॉगर हूं ना भाई मैं भी हूं हेलो गाइस तू रीलर है भाई उसको कहने मिल ब्लॉग्स तो अभी हमारा खाना आ रहा है वेट नहीं हो रहा खाने का सुबह से भी नहीं काम में सही में कुछ नहीं खाया हमने सुबह से हम जैसे पानी पानी और रेड बुल पे जीऊंगा तो आते हैं फिर खाते हैं फटाफट फिर अभी चलना है हमें मार्केट जाना है एमजी रोड क्योंकि हमें बनवाना है परमिट कल नाथुला पास के लिए और क्या था हाँ उसके लिए भी पूछना है लाचिन लाचुंग बंद है कि नहीं है क्योंकि इधर मैंने होटल में पूछा वो लोग बता रहे बंद है हम मेन तो उसी के लिए आए लाचिन के लिए रुडो मलिक देखते क्या होता है हमारे साथ मौसम देखो एक बार आप उधर चालू हो चुकी है बारिश